काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में यह पूछा है कि DSLR से या स्मार्टफोन से वीडियो बनाने के लिए सबसे अच्छा माइक्रोफोन कौन सा है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे माइक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रोडी वीडियो माइक्रोफोन के बारे में बताने वाला हूँ। यह है रोडी का वीडियो माइक्रोफोन जो DSLR और स्मार्टफोन दोनों के साथ वर्क करता है। बॉक्स के साइड में इसके कुछ हाइलाइट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। साथ ही यह स्मार्टफोन और DSLR की बैटरी पर वर्क करता है। इस माइक का साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस माइक के साथ एक माउंट भी मिलता है, जिसकी मदद से इस माइक को DSLR पर फिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्राइस जो डला हुआ है 5,399 रुपीज़, लेकिन यह मुझे इससे सस्ते में मार्केट से मिला है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और साथ ही आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। नो बैटरी रिक्वायर्ड। इसके साथ ही एक माउंट मिलता है, जिससे आप इसे DSLR के ऊपर माउंट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक विंडशील्ड भी मिलता है, जिससे जो नॉइस होती है उसको ये रिमूव कर देता है और काफ़ी क्लियर यह वॉइस को रिकॉर्ड करता है। बैक में भी आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट ऑन कैमरा माइक्रोफोन कैमरे के ऊपर काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी पैकिंग है। और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैनुअल मिलता है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। यह माइक है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको विंडशील्ड भी मिलता है, जिससे कि यह नॉइस को रिमूव करता है और काफ़ी अच्छी वॉइस को यह रिकॉर्ड करता है। इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करते हैं। एक केबल भी मिलती है गाइस आपको, जिससे आप इसको DSLR के साथ या फिर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक माउंट मिलता है, जिसको हम DSLR के ऊपर माउंट कर सकते हैं। यह मेरा DSLR है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको DSLR के साथ माउंट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह माउंट मिला हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर जो इसमें यह दिया गया है, इसमें आपको इस माउंट को इस तरह से लगा देना है। माउंट में आपको माइक को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक केबल मिलती है, इस केबल की हेल्प से आप इसको DSLR के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस केबल के दोनों साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहें यह वाला माइक में लगा सकते हैं या यह वाला भी आप इस माइक में लगा सकते हैं। यहाँ आपको इसको माइक में लगाना है, इसके बाद दूसरी पिन आपको DSLR में लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोर्ट दिया गया है, जो माइक पोर्ट है, आपको इस माइक में इसको यहाँ पर लगा देना है। अब इसके बाद DSLR में जाकर थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी होती है इस माइक्रोफोन को अपने DSLR से कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप इस माइक्रोफोन को अपनी स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पिन के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अमेजन से 250 रुपये में एक माइक परचेज करते हैं तो उसके मुकाबले में यह माइक काफ़ी महंगा है। सो गाइस, मैंने इस रोडी वीडियो माइक्रोफोन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।